का परचा दिया बाकता आपने बीच में सुना रही हूँ और मारो गांव भी झोरडा ही है फिर भी कोई भूल चूक हो जावे तो आपने छोटी बच्ची समझ कर माफ कर जो सा थारू नाम कही जे छोटा बाणा रे किनरे
डेडी श्याम बहुत ज्यादा फैल गया गुरुजी। डेली 4-5 मिन खाने दस जावे। आप कोई जाप तो बताओ ताकि मैं अमीन खाने बचा सकूं। और हरिराम जी महाराज कहे कि हे गुरुजी, पूरे दिन किसान लोग खेता में काम करे और शाम रा खा रोटी सोवे और सुबह रामपुरी टिकट कटोरी तैयार मिले गुरुजी। इया मैं देख कौन सकूं गुरुजी। तो हरिराम जी महाराज गुरुजी ने और काई कहे ध्यान लगाए समझो। करेला तो थारो झाड़ो चालेला, नहीं तो मुश्किल है हरिराम। तो गुरुजी कहीं केवे और हरिराम जी सुने हैं। रवाना हो गया। अब चोटी करी सिकर, चिंता है ना फिकर। संत महात्मा केवे के फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीड़, फिकर की फाकी करे तो उसका नाम फकीर। तो रात भर हरिराम जी सत्संग करी और सुबह ले प्रसाद और घर आवे तो सामने काको जी मिल जावे। काको जी बोले बेटा कटिने गयो। तो हरिराम जी बोले कि मैं मेघवंशारे जागरण में गयो। तो काको जी बोले अरे बेटी रा बाप, आपा ताई मा ब्राह्मण और तू मेघवंशारे जागरण में गयो। तो काको जी ने हरिराम जी महाराज काई केवे कि काको जी, जात पात रो कारण नहीं सिवरे जारो साई, सिवर सिवर निर्भय भया देवा दर्शा देहरे माही। हरिराम जी बोले काको जी, आ जात पात तो संसार बनाई है, भगवान रे घर सब एक है, आ दिमाग में रखो काको जी। अब काको जी ने रीस आ जावे और सीधा घरे जावे और हरिराम जी रे पिताजी
राम नारायण जी ने बोले कि भाई जी ये हरिराम ने स्कूल भेज दो। तो राम नारायण जी बोले कि स्कूल जाओ बेटा पढ़ो। तो हरिराम जी बोले पिताजी मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण याद है, मारे भक्ति में बाधा मत गालो, मैंने माड़ा फेरन दो। तो हरिराम जी ने जबरदस्ती स्कूल घाल देवे और जबरदस्ती कोई काम करावे जन वो उल्टो ही करिया करे। किया करे नी के बिना मन रा पावना घी घालू का तेल। तो बट मास्टर जी के गाल देवे तो हरिराम जी बारकड़ी लिख देवे। मास्टर जी गिनती लिख देवे तो हरिराम जी पावड़ा लिख देवे। मास्टर जी बारकड़ी लिख देवे तो हरिराम जी ABCD लिख दे देवे। तो मास्टर जी आई गया तीन तीन फुट गुदी में गई। मास्टर जी सोचो कि वो पढ़न आयो है का पढ़ो ना आयो है। अब गुरु जी बोले कि हरिराम रो पढ़न रो तरीको ही अलग है। गुरु जी बोले हरिराम अब स्कूल नहीं आना। तो हरिराम जी महाराज मंदिर में जार बैठ जावे और भजन करे क्योंकि बाने तो भजन ही करनो हो। अब हरिराम जी महाराज स्कूल या छोरा ने कहे अजय रे छोरा हरि कीर्तन करा और जो घंटी लागने में 10 मिनट पड़िया है। तो सब बच्चा आ जावे और हरिराम जी की हरि कीर्तन करे और बच्चा भी साथ हरि कीर्तन करे है। और मैं झाड़ा घरे जाऊं
हरिराम जी बोले, काको जी एड़ा झड़ा तो आजकल मैं ही जानू। काको जी बोले, जना दिया बोलन को तो बेरोई कोनी। अब हरिराम जी महाराज बालाजी रो ध्यान धरियो है और बोले, सरप नहीं खायो है, सरप नहीं खायो है, सरप नहीं खायो है। तीन बार केवे तो काको जी बोले, दिमाग खराब है थारो, मैं मारी आंखियों देखियो और तू के नहीं खायो है। हरिराम जी बोले, काको जी इस प्रकार मारो झाड़ो है। और हरिराम जी रे झाड़े सु लड़को दो दिन में एकदम तैयार हो जावे। हरिराम जी केवे, काई सलाह है काको जी, किया है बच्चे रे तबीयत पानी? तो काको जी केवे, रेवण दे मारे भूल रहेगी, मारे बेटे ने तो शाम खायो ही कोनी, कोई मकोड़ो खायो है ला, और ज्यादा जोर मारे तो कोई माकड़ खायो है ला, मारे भूल रहेगी, माने कोई बे मुर्गियो। हरिराम जी बोले, हद होगी, विश्वास नाम री कोई चीज कोनी, साची बात नहीं मानो कोनी। तो काको जी कहे, जना तू कोई और चमत्कार बता। तो आगे हरिराम जी सैकड़ों पर्चा दिया है, जना दुनिया ने विश्वास हुयो। बोलो हरिराम जी महाराज।